भले ही हिमाचल और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी के बड़े बड़े दावे करती है, पर देश के धरोहर गांव गर्ली में हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गर्ली के सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक शक्तिपीठ राधे कृष्ण मंदिर की बात करें तो इसके चारों ओर पसरी गंदगी सरकार के स्वच्छता अभियानों के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। बता दें, हर रोज देश विदेश के दर्जनों सैलानी गर्ली की प्राचीन भव्य शैली को निहारने यहाँ आते हैं, पर उनका स्वागत यहाँ पड़े कूड़े के ढेर करते हैं। वहीं जब इस बारे स्थानीय पंचायत प्रधान से बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। बताएंगे यहाँ गंदगी जो ढेर लगी उसके बारे में। राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और साथ में ये गलियाँ जो हैं, साथ में सारा ही कूड़ा जो है पसरा हुआ और गलियाँ जो हैं वो कचरे और गंदगी से भरी हुई हैं। और जो सुबह मंदिर में आते लोग उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है फिसल करके नालियों में गिर रहे हैं, और इवन क्या कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, और गर्ली जो है प्राचीन धरोहर है, हेरिटेज विलेज है, और हेरिटेज जब गलियों से गुजर के जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी जो है वो पसरी हुई है। और ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। यहाँ के लोग जो हैं और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, पंचायत है, इसके प्रति थोड़ी भी उनको कोई चिंता नहीं है, और हमारी निवेदन है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गर्ली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट।